माय सीक्रेट रेसिपी कॉर्नर। आज हम बनाएंगे आम की खट्टी मीठी लौंजी। आम की लौंजी बनाने के लिए मैंने आधा किलो आम लिए हैं। मैंने अच्छे से वॉश करके इन्हें सुखा लिया था। अब मैं इन्हें छील लूँगी। छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूंगी। मैंने अपने सभी आम को पीसेस में कट कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 1 टेबल स्पून सरसों का तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून मेथी दाना और थोड़ी सी कलौंजी और इन्हें अच्छे से भून लेंगे। ये अच्छे से भून गए हैं। अब हम इनमें आम के पीसेस ऐड करेंगे और इन्हें एक बार चलाएंगे। अब हम ऐड करेंगे 1/2 कप पानी, 2 टीस्पून सौंफ। आप चाहे तो थोड़ा कम डाल सकते हैं, सौंफ का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है, थोड़ा तीखापन भी आ जाता है। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। अब हम अपने आम चेक करते हैं। ये देखिए सॉफ्ट हो गए हैं और इनमें से बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हम ऐड करेंगे 2 चुटकी हल्दी, जिससे अच्छा सा कलर आ जाए, और इसे चलाएंगे। अब हम ऐड करेंगे 1 कप शक्कर और इसे मिक्स कर देंगे। कभी कभी आम थोड़े खट्टे होते हैं और कभी कभी थोड़े मीठे बनते होते हैं, तो शक्कर की क्वांटिटी आप आम के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करें। और एक बात का ध्यान रखें, जब आम थोड़े सॉफ्ट हो जाए तो उसके बाद ही शक्कर ऐड करें। हमारी शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून काला नमक। नमक हम इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा सा चाट मसाला और इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे। 1 मिनट हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। हमारी आम की लौंजी बनकर रेडी है। ये देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा सा आया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। हमारी लौंजी सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसे पराठों के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और आप इसे जैम की जगह भी यूज कर सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे फ्रिज में 1 महीने तक स्टोर करके यूज कर सकते हैं।